अगर तरबूज अगर ऐसे निकालना हो तो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। राहुल तरबूज उठा लो। नमस्कार, सुबह का वक्त है और आप लोग को याद होगा कि एक मैं वीडियो को शूट किया था तरबूज के लिए, तरबूज के लालच में बिहार। तो हम लोग वहाँ पे गए थे तो तरबूज नहीं मिला था और तरबूज कहीं और मिल रहा है, दूसरे गांव जो कि 17-18 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। तो हम लोग को सुबह सुबह वहाँ पे जाना पड़ रहा है और सहारा लिया हूँ बाइक का और हम पहली बार जा रहे हैं उस गांव में। तो अभी हम चल के उस जगह पे देखना चाहते हैं कि तरबूज किस हालत में है और वहाँ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा तरबूज लेके आएंगे, फिर भी समझ लीजिए 15-20 किलो से ऊपर ही रहेगा। अभी जिस जगह पे अभी हम लोग आए हैं तो अभी यहाँ पे एक छोटी सी मंडी लगी हुई है पीछे और सनलाइट की वजह से पता नहीं लग रहा है। और यहाँ से हम लोग तरबूज के बारे में पता लगाएंगे। काफ़ी दूर से हम लोग खोजते खोजते इस रास्ते से, कच्चे रास्ते से आए हैं अभी यहाँ पे और हम लोग को यहाँ पे तरबूज खेती देखने को मिल रहा है, जिसे गाँव देहात में पनुआ भी कहते हैं। देखिए फला हुआ है। अब किसान लोगों से हम लोग को पता लगाना है कि क्या रेट है, क्या हिसाब है और कुछ ख़रीदारी करके आगे बढ़ेंगे। और जिस एरिया में हम लोग आए हैं यहाँ पे चारों तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ तरबूज की खेती ही खेती है। बहुत सारे कारोबारी लोग हैं इधर, छोटे मोटे किसान हैं, बड़े भी हैं और चारों तरफ आप लोग को वही देखने को मिलेगा। सनलाइट के वजह से, प्रकाश के वजह से ये साफ दिख नहीं रहा है, नहीं तो पूरा का पूरा तरबूज की खेती ही है। और बहुत हम लोग कोशिश किए हैं पूछ के आने का, बहुतायत में तरबूज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है खेतों में और यहाँ से हम लोग मोल भाव करके ले जाएंगे तरबूज। अच्छा रेट बताओ, क्या रेट बताइ लो। 25 बोला था वह। 25 में 5 किलो। तरबूज का आकार जिस हिसाब से है, इसका वेट, अगर वेट की अगर बात की जाए तो ये 2-2.5 के करीब होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और हम लोग जो तरबूज खोज रहे हैं जो, तो वो काला वाला जो काले किस्म का होता है, एक खास तरह का होता है, तो वो तरबूज काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। और बाकी ये वाला जो देख रहे हैं आप लोग, तो इसका जो स्वाद होता है ना, स्वाद तो ठीक ही होता है लेकिन वो मिठास की जो मात्रा है बहुत कम होता है। तो काले तरबूज के चक्कर में अब हम लोग थोड़े इधर उधर खेतों में चक्कर काट रहे हैं। दादाजी बैठे हैं आगे। अच्छा बच्चा हमके ही बतावा कि जो सबसे मीठा पनुआ एथू बटे पका हुआ पनुआ, ओकर पहचान का है? ओकर पाकल हो जे। हां तू देखलाओ। हां असली की पाकल है, फार के देख लेवे। अच्छा पका पाकल है। हां अच्छा अच्छा का पहचान ई है, मतलब पीलापन पीलापन। हां अच्छा फार के दिखावा, तनी दिखा दे दोस्त। हां मर दे, तोर में ताकत बा गजब गजब गजब। ए जे देखाओ, देख ले जा भैया। हां देख ले जा, जमीन आप मत पट का। देख ले जा, ते पाकल बा काच बा ओके न तोरा।
ए दोस्त है पाकल हो गुल बर पाकल हो अच्छा ठीक है तोड़ दी के तोड़ दे यहाँ पे रखो तीन तरबूज हो गया और बाकी सब चुन रहे हैं इसमें से ए दोस्त पका पका हुआ तरबूज चाहिए हमने के पनुआ बोले ला जाता हूँ लोग पनुए है ठीक है लियाओ नहीं 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 लियाओ बाबू ले आओ रख दो रख दो रखो बाबू रखो अगर तरबूज अगर ऐसे निकालना हो तो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है क्योंकि मधुमक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग रही है और एक कभी भी चुभन डाल सकती हैं लेकिन ये देखिए ये शेर के मुंह में से मांस निकालने के बराबर है ठीक है ना क्योंकि ये कभी भी चुभन डाल सकती हैं जब भी चुभन डालेंगी तो तरबूज खाने का मज़ा ही पूरा निकल जाएगा ओए होए होए मधुमक्खियों से भी बचना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हम लोग एक टुकड़ा ले रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए तो मधुमक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा मंडरा रही हैं इसके ऊपर और लो राहुल दिखाओ सफा रहा है तरबूज के खेत में आने पे तरबूज काफी ज्यादा खाने को लोग दे देते हैं ऐसे ही ये देखिए हाथों पे इतनी ज्यादा मधुमक्खियां बैठ रही हैं कि अगर डंक मार दे तो सारा तरबूज खाना महंगा पड़ जाएगा तरबूज को एक बोरी में पैक करा दिया हूँ और यहाँ से इकट्ठे उठा के बाइक के द्वारा और ले जाना है हमें अपने घर पे तो बस इस तरह से कुछ चल रहा है और अगली बार हम लोग तरबूज लेने के लिए गए थे बिहार में जो हम लोग असफल रहे थे तो अगर वो आप लोग वीडियो देखना चाहेंगे तो आई बटन में ऊपर मैं लिंक दे दे रहा हूँ आप लोग वहाँ से जाके टच करके देख लीजिएगा तो कुछ इस तरह तरबूज हम लोग को बहुत ज़्यादा की मात्रा में मिल जाता है गांव से थोड़ी दूरी जाने पे और आप लोग के यहाँ अगर आप लोग गांव घर से अगर होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी क्या ऐसे तरबूज मिल जाते हैं और ये हमारे लिए एक नई बात थी क्योंकि अभी हम लोग जो जिस जगह पर आए हैं तो हम बोल रहे थे ना आप लोग से 16-17 किलोमीटर दूर आए हैं लेकिन 16-17 से कहीं ज़्यादा पड़ गया था क्योंकि हमें उस के बारे में जानकारी नहीं था कि कितनी दूरी पे है सिर्फ ये मालूम था कि नहीं उस गांव में जाने पे बहुतायत में ये चीज़ें मिल जाता है कि जो तरबूज की फसल है बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान के कगार पे हो चुका है तो ये है जैसे तो ये नुकसान के कगार पे जा रहा है और कुछ दिनों के बाद बहुत कम ही देखने को मिलेगा तरबूज क्योंकि जो ये टाइम जा रहा है ये बच्चा कब तक तरबूज मिली मतलब और 10 दिन इन लोग का कहना है कि 10 दिन और मतलब मिल सकता है तरबूज इसके बाद पूरा काम ख़त्म हो जाएगा तरबूज का क्योंकि इसका भी टाइम होता है इसका भी सीजन होता है अच्छा पैदावार बहुत अच्छा हुआ था कम हुआ था क्विंटल हुआ है सिर्फ एक बीघा में 30 क्विंटल ये बता रहे हैं कि 30 क्विंटल हुआ है एक बीघे में अच्छा 2 बीघा में कितना 100 क्विंटल अच्छा तो अपना अपना करने के ऊपर है खेती किस हिसाब से करें किस हिसाब से नहीं तो हम लोग का जो तरबूज है टूट के इकट्ठा हो गया है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वजन होगा हाँ यहाँ पे वजन कर दिया जाएगा तरबूज का
तरबूज का वजन कर दिया जाएगा। और हमारा भतीजा है उधर तरबूज चुनने के लिए गया है साथ में ही उन लोगों के। और काफ़ी ज़्यादा ये लोग अच्छे लोग हैं इधर के लोग। जब हम लोग यहाँ पे तरबूज खाने के लिए आए थे तो काफ़ी ज़्यादा ये देख रहे हैं ना मधुमक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। और जैसे ही हमें खेत वालों लोगों ने फोड़ के दिया खाने के लिए तरबूज, तो इतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ यहाँ पे बैठ रही थी कि जो आम व्यक्ति होगा वो डर के मारे छोड़ देगा तरबूज को, क्योंकि उसे डर लगेगा कि मधुमक्खियाँ कहीं डंक ना मार दें। ठीक हमारा भतीजा भी वैसे ही डर रहा था, लेकिन हमें डर नहीं लग रहा था। हमें मालूम था कि ये मधुमक्खियाँ जो सिर्फ अपने तरबूज के रस के लिए आ रही है। और अभी भी देख रहे होंगे, शायद नज़र आ रहे होंगे, एक आध दो मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं और ये लोग भी अपना भोजन की तलाश में वहाँ पे आके बैठती है, क्योंकि तरबूज जो होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो कुछ इस तरह ही चल रहा है। और हमें उम्मीद होगा कि शायद आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, हमारा देहाती टाइप का ये वीडियो। और अगर आप लोग गाँव घर से होंगे तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर करेंगे इस भाई के लिए। और कुछ इस तरह ही चल रहा है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और फिर आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में। सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना यही करना पड़ता है, धूप। इतनी ज़्यादा धूप है पूरब दिशा से आ रही है कि पूरी आँखों पर चमक मार रहा है। और गर्मी का तो दिन ऐसे ही है, पसीना पसीना हो जा रहा है। देखिए हमारा तरबूज भी इधर आ गया।